हेलो फ्रेंड्स, रुतुस किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रुतु और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस मलाई कोफ्ता की रेसिपी। मेल्ट इन माउथ कोफ्ते के साथ बहुत ही क्रीमी और टेस्टी वाइट ग्रेवी बनाएंगे। ये सब्ज़ी आप एक बार इस तरह से बना लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप होटल या रेस्टोरेंट से कभी भी नहीं लाओगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो आइए बहुत ही डिलीशियस मलाई कोफ्ता बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोफ्ते बनाएंगे तो उसके लिए एक बाउल में एक कप पनीर लेंगे, मैंने ग्रेट कर लिया है, और उतने ही क्वांटिटी में यानी कि एक कप बॉईल किए हुए आलू जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है। तो आलू को बॉईल करके ठंडे हो जाने के बाद ही इसमें डालें, और आलू और पनीर को ग्रेट करके ही डालें जिससे इसमें बड़े टुकड़े ना रहे और कोफ्ते जो है वो स्मूथ बने। 2 टीस्पून अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे। अदरक और हरी मिर्च से कोफ्ते का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। काजू बादाम और किशमिश ली है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से कोफ्ते में बाइंडिंग आएगी और अब सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी मैंने 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर डाला है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डालेंगे। तो इसी तरह से सब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हाथों से अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लेना है और सॉफ्ट डो बना लेना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आलू को बॉईल करने के बाद तुरंत ही पानी में से निकाल ले और ठंडा करके ही ले, जिससे आलू में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और कॉर्नफ्लोर का बहुत ही कम यूज़ करना पड़ेगा। अगर आलू में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो कॉर्नफ्लोर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और ये कोफ्ते जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, हार्ड बन जाएंगे। ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब कोफ्ते बना लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेके राउंड शेप के कोफ्ते बना लेने हैं। अगर आपको रोल्स बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो जो साइज़ के और शेप के कोफ्ते बनाने हो वैसे बना लेना है। तो इसी तरह से मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं, अभी फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही तेल को गरम करने के लिए रखा था। तेल अब गरम हो चुका है तो तेल में कोफ्ते को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करना है। तो पैन की साइज़ जितनी हो उतने ही कोफ्ते एक साथ डालें, ओवर क्राउड ना करें नहीं तो कोफ्ते टूट सकते हैं। और डालने के बाद कोफ्ते को तुरंत ना पलटें, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर के बाद जारे से कोफ्ते को पलटते हुए चारों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है। तो कोफ्ते को तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से बनाए हुए कोफ्ते बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं, आइए अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए पैन में 3 से 4 ऑनियन जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है वो डाल देंगे। साथ में 1/2 कप काजू के टुकड़े, 1/4 कप मेलन सीड्स, 2 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स डाल देंगे। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो भी चलेगा। और अब इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम से हाई रखा हुआ है और अब इसको उबालना है। आप देख सकते हैं पानी उबलना शुरू हो गया है, तो अब मीडियम से हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए उबालना है जिससे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको छन्नी में लेके इसमें से सारा पानी निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा पानी निकाल लिया है, अब इसको हल्का ठंडा हो जाने देंगे और बाद में इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो ठंडा होने के बाद इन सबको मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है, बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब इसकी पेस्ट बना लेते हैं। तो प्याज की पेस्ट बनके तैयार है, आइए अब ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून घी। आप सिर्फ तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी डालने से इस सब्ज़ी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तेल और घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 ब्लैक पेपर, 3 से 4 लौंग, 2 इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा। सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे।
मसाले सारे भुन जाए फिर इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। तो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे प्याज की पेस्ट जो हमने तैयार की थी, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मीडियम से लो गैस की फ्लेम पे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम से लो पे ही रखना है क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है, वो पैन में चिपकने लगेगा। तो ग्रेवी में से सारा तेल सेपरेट हो जाए तब तक कुक करना है और बीच बीच में चलाते रहना है। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब थोड़े मसाले करेंगे। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को धीमे ही रखना है नहीं तो ये मसाले जो है वो जल जाएंगे। ये देखिए मसाले ग्रेवी में मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें गरम पानी डाल देंगे। तो अभी मैं 2 कप जितना पानी डाल रही हूँ। आपको ग्रेवी जैसे चाहिए गाढ़ी या पतली वैसे पानी कम ज़्यादा डाल सकते हैं और पानी गरम ही डालना है। ये देखिए पानी भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। पानी अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे। तो मलाई कोफ्ता माइल्ड स्वीट होता है तो शुगर डालने से ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है। अब ग्रेवी को एक छन्नी में लेके छान लेंगे जिससे हमने जो खड़े मसाले डाले थे वो सब निकल जाए और ग्रेवी का टेक्सचर एकदम स्मूथ आए। पर आपको ये स्टेप स्किप करना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ग्रेवी को मैंने छान लिया है, बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार है। अब ग्रेवी को फिर से पैन में डाल देंगे। और 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। आप घर में रखी हुई दूध की मलाई भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो क्रीम भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आप चम्मच से इस तरह से देखेंगे तो ग्रेवी चम्मच में अच्छे से कोट हो पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेवी परफेक्ट बनी है। तो स्मूथ क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस ग्रेवी बनके तैयार है। गरम गरम मलाई कोफ्ता को अब सर्व करेंगे। तो आप कोफ्ते को पहले से ही ग्रेवी में ना डालें, ग्रेवी और कोफ्ते को अलग अलग रखें और जब भी सर्व करना हो तब इस तरह से पहले ग्रेवी के ऊपर कोफ्ते रखें और फिर से ऊपर ग्रेवी पोर करें। तो एकदम परफेक्ट ऐसा मलाई कोफ्ता बनके बिल्कुल तैयार है जो रोटी पूरी पराठा और नान के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, सबको बहुत ही पसंद आएगा। और इस तरह से बनाए हुए मलाई कोफ्ता सॉफ्ट बनते हैं, जूसी बनते हैं और टूटते भी नहीं है। तो ये मलाई कोफ्ता आप घर पे बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी नई नई और यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।